पेट का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट जी सर। अच्छा आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। कुछ एकदम निराश थे। मम्मी पापा प्रसन्न है। सर मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। वाह वाह। मैं इसी से ओलंपिक्स के लिए मैं ऑक्शन करूंगा। मिलना पड़ गया। मैं तो पैर का भी हाल खराब था। आ करके कुछ किया क्या? अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो एक दिन। मैंने पैक किया। लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की, मैं लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तुम तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। सबका सिग्नेचर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? उपेंद्र पासवान। कितने हाइट है? तो वॉलीबॉल में नहीं गए? मैं इसका ऑक्शन करता हूँ। ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूँगा जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए। ताकि आप लोगों का ये स्मृति देख करके उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। बहुत बधाई। अच्छा नीरज ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्टरी के मूड में आ गए और एकदम विक्टरी तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है। तो कैसे कैसे संभव हुआ सर? जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि भाई तुम 85 जाओगे 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है। ठीक है, तुम्हें औरों का पता नहीं है क्योंकि 90 जाएगा कि 88 जाएगा कितने 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सलाह देता हूँ। ठीक है तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा क्योंकि
मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है, और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी सर, वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से और एक बार खड़ा होगा। अच्छा रवि, बताइए वो आखिरी सेकेंड्स कुछ था जिसने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, जेको पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे? देखो जी, वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी, लेते हैं। देखो, पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी, देखिए हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो, वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है, ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है, मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी, देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के, पर बाद में अब ठीक है, कुछ हम ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए, उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है, जागे नहीं होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी, तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो, उसके लगे हो आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते नहीं है जी। अभी गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो, सो हाउ डू यू फील? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। After 41 years. After 41 years to bring the medal back to India was wonderful. But now, how do you feel? I feel very proud. Yeah, wow. Very proud. Yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया, और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले
लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। सीजेएस को तो तब पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोल कीपर को तो सबको सूचना देता रहता है। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई मीन एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत करके बाद वहाँ जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अपने कुछ अनुभव बताइए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? उनकी इडनी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ। अच्छा, तुम आसाम होकर? हाँ, एक दिन के लिए गई थी, तो मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हाँ, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक बीएसएफ और एक सीआईएसएफ। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा दो घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था और हर एक परिवार को समझा था, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किए, इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बन रहा। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरी कॉम, संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं। सर, मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर। मैं इस बार कोशिश किया हूँ देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलोजी करती हूँ, मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया। देखिए, आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल के तो हार और जीत होते रहते, लेकिन आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का, और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है, और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, सिमरनजीत कौर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हार गई लेकिन। नहीं जी, हार ही नहीं हो, ये हार दिमाग में हार निकाल दो। तो शायद मेरे ओपोनेंट ने ज़्यादा मेहनत की होगी, वही कमी रहेगी, तो यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है, तो बेस्ट मेहनत करनी है औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। कभी नहीं। हाँ भवानी, अब मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। नमस्ते, वणकम बोलना पड़ेगा।
15 साल हार्ड वर्क के बाद मेरी पहली क्वालिफिकेशन मिली है ओलंपिक्स के लिए. तो मेरे लिए जो आपने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स जाने से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि मेरा सेकंड मैच में हार गई थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आपका ट्वीट के बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंकरेजिंग था. तो थैंक यू सो मच सर. भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी? और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ था. क्योंकि पहली बार मेरे देश की बच्ची है रानी झांसी बनकर के तलवार गवा रही है. अपने मन की बात में मम्मा के बारे में बोला था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच सर. और मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ. जी जी जी. मैंने ओलंपिक्स में 2 स्पॉट यूज किया था, उसमें से मैंने पहली मैच जिससे जीता है मैं आपको देना चाहती हूँ, और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहती हूँ. चलिए, माँ के आशीर्वाद लेते रहो, ये माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है. मैं पहली बार इसको हाथ लगा रहा हूँ जीवन में. देश को इसका ज़्यादा परिचय भी नहीं है, और तुमने, और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियाँ इस पर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना. वह पक्का ले आओगी. लेकिन आप मेडल लाओगी इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो मेडल में नहीं है. आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया. आपने पूरा यानी मिजाज बदला है लोगों का. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका. मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको. और भाई देखिए, आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ, और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया. ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण ही संभव होता है, और ये तुमने करके दिखाया. मैं समझता हूँ कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की, और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया, ये अपने आप में बड़ी बात. अच्छा मैं बताऊं, तुम तो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि दिन तुम्हारा विजय हो गया, हिंदुस्तान पूरी तरह नाच रहा था उस समय जब तुम आई घर गई. पहले क्या किया घर का? सबसे पहले तो मैं मम्मी से मिली. मैं 2 साल पूरा हो गई थी गए नहीं गई थी, तो सबसे पहले मैं मम्मी के हाथ से खाना सबसे पहले खाई थी घर पहुंचते ही सबके साथ, तो बहुत खुशी हुई. एला बताइए, एक्सपीरियंस तुम्हारा, गुजराती बोलबाल दिया या? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. एज अ टीम हम लोग पहले से 3 महीने से हम लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ थे, तो काफ़ी टीम बॉन्डिंग भी हुई थी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर. बीइंग माय फर्स्ट ओलंपिक्स, काफ़ी लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला. अच्छा, पूरी टीम आपके शूटर्स की पहली बार गई थी ओलंपिक? नहीं सर, दिस इज सेकंड टाइम. अच्छा रियो में. तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट हम लोग की जो टीम बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी रही सर. सो इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस. एला अभी भी मणिनगर में रहते हो कि कहीं और रहने चले गए? नहीं सर, मणिनगर में रहते हैं जी सर. तो वहाँ से संस्कार धाम तो बहुत दूर पड़ता है तुम्हें? सर 30 किलोमीटर्स. हाँ, लेकिन रोज जाती थी सर? रोज सुबह 4:55 की बस होती थी. पहले जाके ट्रेनिंग करते थे 10 बजे तक, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करते थे. संस्कार धाम वाले तो अभी भी खुशी बढ़ा रहे. जी सर, अभी भी. ट्रेनिंग पर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने. माइक कभी बंद हो जाता है. उम्मीद नहीं छोड़ी है सर मैंने. हाँ बोलो. थैंक यू सर. सो ये 3रा ओलंपिक था मेरा, और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया. अरे क्या सॉरी सर, उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है. खिलाड़ी के भी उम्मीद नहीं छोड़ता है, और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है. सर कॉन्फिडेंट है, एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत.
फिर से आम तोड़ना शुरू करो। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक ने लैंड दिया था, बट अभी अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड, तो आफ्टर प्लेइंग तब। भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। सो यू आर फ्रॉम कोरिया? यस सर। वाह, साउथ कोरिया सर। Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to here. Yes. She came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya, and you must know what is the history about Ayodhya, and you will feel proud. Yes, thank you, sir. It's my honor, sir. Actually, yesterday I told phone calls my wife. Oh. So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India, so Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my God, crazy, sir, honey. It's your life succeed. Yes. So today I finally I meet him. So bhai, we'll have to give him a very good photograph. He will thank today. Yes sir, please sing. Amazing. Congratulations to you also. Yeah. And thanks to you. Sindhu now remain only gold medal. So I she will do it. 2024. Paris Olympic. I try, okay. Yeah. Sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Majama. Sure, are you okay? नहीं, थोड़ा हिंदी बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स सर, बहुत सॉरी, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, सो आगे जाके ध्यान रखूंगी कि क्या कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूं और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। सबसे पहले हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको नमस्कार। okay. मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा से। मैं नेशनल लेवल से, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं 15 मेडल हासिल किया हूँ अभी तक नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में 34 मेडल हासिल किया मैंने, एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करके देश का नाम रोशन किया मैंने। एक सपना बाकी रह गया जो ओलंपिक मेडल लेने का, रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने, और इस बार भी 100 मीटर 200 दोनों में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली स्पीड में पार्टिसिपेट करना बहुत दिक्कत है, मेरा लाइफ ही ऐसा है, संघर्ष का, हमेशा संघर्ष करते हैं मैंने। 2014 में भी एशियन गेम कॉमन गेम के लिए भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन हाइपरटेंशन के कारण के वजह मुझे नहीं लिए थे, फिर मैं केस अप्ले करके फिर वापस आई। मुझे बहुत अच्छी लग रही, आपने इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे, मेरे को याद है 2016 से पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी देखे तो बहुत सारा स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम और TOPSV, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस कारण से स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है फ्यूचर में जो ओलंपिक आएगा 24 ओलंपिक में, इसमें इंडिया को 20 मेडल आएगा, ये मेरा उम्मीद है। और एथलेटिक में बेसिकली अभी जो 102 साल के बाद जो सूखा पानी अभी पानी भर रहे ये सागर तक जाएगा, और एथलेटिक में 15 से ज़्यादा मेडल हासिल करेंगे हर सेक्टर में, ये मेरा पूरा उम्मीद है। और बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा भाषण आज का सुनेगा तो तुम्हें चुनाव लड़वाएगा। सुखी रहो बेटा, जय जगन्नाथ। मैं मेरठ आऊँगा तो तुम मम्मी पापा सबको लेके आ जाओ। और मेरठ तो दूर नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो। हाँ, लगा दो बेटा। चलिए बिना मेहनत की कमाई है मुझे तो।
चलिए बताइए रानी, तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको है, मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज़्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का, काफ़ी साल हो गए और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो इन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और नहीं नहीं नहीं, वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आपकी सपनों को थोड़ी सी खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था, मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि तो आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए, बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन कर। आपने आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या, हैं याद है, ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं, यानी हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है, लेकिन सभी का सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, हाँ आ जाइए सब लोग। हाँ फिर से एक बार आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, और आप तो सब पराक्रमी लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, और देश की आन बान शान बढ़ाने वाले लोग हैं। देश में आप लोगों को कुछ ना कुछ देने की स्पर्धा चल रही है, कोई राज्य ये दे रहा है, कोई एसोसिएशन ये दे रहा है, कोई दिखना दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, और आप भी अब लेते लेते थक गए होंगे, लेकिन मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। देंगे क्या? नहीं, आवाज नहीं आई। नहीं, मैं कुछ मांग सकता हूं आपसे? आप देंगे? लेकिन प्रॉमिस बनना चाहिए, लेकिन खेल कूद वाला नहीं मांग रहा हूं, कुछ और मांग रहा हूं। लो डर गए। नहीं, मैं सच बताऊं, कुछ मैं कुछ मांगना चाहता हूं आज आपसे। देखिए, ये 15 अगस्त कल आप लोग थे, देश आपको कितना प्यार करता है, देश आपको कितना सम्मान करता है, आप सबने अनुभव किया है, इसका देश को बहुत लाभ हो सकता है, आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आजादी के 75 साल हुए हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं, और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं, यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाए तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं या बिताना चाहता हूं। वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षाएं। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम
सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, वरना तो मुझे तो मालूम है मैं जिस परिवार और जिस माहौल से आया हूँ, बच्चों को कुछ भी को क्या कहेगा, बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो बस, उसको लगता ही नहीं कि मुझे सब्जी वगैरह खानी चाहिए, ऐसा ही होता है। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है, बचपन से इन चीज़ों को शरीर में क्या जरूरी है, और आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं, बराबर नोट बना करके एक टीचर की तरह तैयार कर सकते हैं, और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जुड़ा होता है। आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13-14-15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5-10 साल के बाद जो वो माँ बनेगी वो तो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता, और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिला बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है, मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा, चाहे वह कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए, वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला, वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये दो चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना, तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ वो भी मैं देखना चाहूंगा, तो करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहां की व्यवस्थाएं देखी होगी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसी नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी, क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती है, और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है, तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.